कांग्रेस जिला प्रवक्ता ने भाजपा के कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक सोलन जिला की पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है। सोलन में कांग्रेस कार्यकाल में चल रहे विकासात्मक कार्यों को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, जिसके चलते सोलन वासियों में भारी निराशा देखने को मिल रही है। भाजपा ने पिछले 6 माह में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगा पाई है, परंतु विकास कार्यों पर अंकुश लगाने में कामयाब जरूर हुई है, जिसका सोलन की जनता आने वाले चुनावों में भरपूर जवाब देगी। कांग्रेस जिला प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने भाजपा सरकार के 6 महीनों के कार्यकाल को अत्यंत निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह में सोलन जिला की भरपूर अनदेखी की गई है और कोई भी ठोस विकास कार्य जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में व जिला सोलन में अभूतपूर्व विकास कार्य किए, बहुत से कार्य किए हैं जिनका शिलान्यास पूर्व सरकार के समय में किया गया, पर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार उन कार्यों को तरजीह नहीं दे रही है, जिस कारण विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में करोड़ों रुपए खर्च कर मिनी सचिवालय बनाया गया, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से वह मिनी सचिवालय की सड़क को पक्का नहीं कर पाई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने हुए 6 माह हो चुके हैं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि इनका ये कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो सारे कार्य जो हमारे शासनकाल में किए गए थे उस पर इन्होंने कोई एक ईंट भी लगाई है? सोलन जिला का ये मुख्यालय होने के नाते जो हमारा सोलन है, यहाँ के हॉस्पिटल की इतनी दुर्गति है, इतने बुरे हाल है कि ये एक रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। यहाँ पर छोटी बीमारियों के लिए भी जो है रेफर किया जाता है। हमारी सरकार ने 26 करोड़ रुपए की लागत से इतना जबरदस्त मिनी सचिवालय सोलन में बनवाया था, पर 6 माह में वहां तक के लिए बीजेपी की सरकार सड़क नहीं बनवा पाई है। सोलन में बहुत से विकास कार्य शांति बाईपास 25 करोड़ की लागत से जो है हमारी सरकार ने शुरू किया था पूर्व, और ये काम बड़े जोरों से हमारे टाइम पे चल रहा था, पर 6 महीने से इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से शानिल जी ने 70 लाख रुपये सेंट ल्यूक्स से चंबा घाट के लिए पैदल जो मार्ग बनना था उसका कार्य भी युद्ध स्तर पर चल पड़ा था, और जैसे ही ये सरकार आई है उस पर एक इंच तक एक काम नहीं वहाँ पर ये करवा पाए हैं। तो ये क्या कारण है? ये क्या बदले की भावना से काम कर रहे हैं? स्कूल की आप हालत देख लो, वहाँ पर टीचर्स नहीं है। सोलन का जो तहसील है वहाँ पर स्टाफ नहीं है। बड़ी मुश्किल से सोलन को एक कार्यकारी अधिकारी अभी मिला है, जो कि 6 महीने से कोई यहाँ पर अधिकारी नहीं था।